प्लीज सर थोड़ा सपोर्ट चाहिए सर, वन प्लीज सर थोड़ा सपोर्ट चाहिए भाई इस चैनल को भाई। 4 साल नहीं 3 साल लग के भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसको 800 सब्सक्राइबर लगाया हूँ। भाई का ज्यादातर चैनल मैं ही खोला हूँ, जीमेल अकाउंट मैं ही खोला हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा इशू हुआ है जो कि 2 दिन हो चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस फिलहाल आज है कौन सा बार है आज है शुक्रवार और फिलहाल अभी सुबह के 11 बज रहे, मैं अभी उठ रहा हूँ। कल रात को सोया था 2 बजे। एक्चुअली क्या हुआ पता है, कल रात को मैं जल्दी सोने के लिए गया था लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि रोज़ तो भाई लेट सोता हूँ, 3-4 बज जाता है। तो जब मैं गया सोने के लिए तो नींद नहीं आई, तो क्या करा बस यूट्यूब देखता रहा देख देख के भाई नींद कब हो गया मुझे पता नहीं। अभी 11 बजे उठ रहा हूँ तो अभी ब्रश भी मैं अभी तक नहीं किया हूँ। दीदी ने बोलेगी चाय दुकान से मेरे लिए ये लेके आ, शैम्पू लेके आ, क्योंकि शैम्पू ख़त्म हो चुके हैं उसका, तो लेके आना पड़ेगा अभी। आज हमारे घर पे एक नया डिश बनने वाला है, उस दिन तो बना था जो कि क्या था, नमकीन बना था, तो आज बनने वाला है जो कि उसको बोलते हैं दंत के लिए, हम उड़िया पे बोलते हैं उसको मुड़की बोलते हैं। घर वाले बना रहे हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे बन रहा है। तो प्लान अभी चलते हैं सीधा शैम्पू लेने के लिए क्योंकि वो चिल्ला रहा है मुझे शैम्पू चाहिए शैम्पू चाहिए शैम्पू चाहिए। तो 11 बज चुके हैं ना, मैं भाई मेरा तो अभी सुबह है लेकिन उनका दोपहर होने वाला है घर वालों का, तो चलो दुकान से लेके आते हैं, देने के बाद मिलते हैं ब्लॉक पे। चलो चलो ओ जी, अपना शैम्पू मिल गया मस्त, जो कि 10 ले चुका हूँ। और इसको अभी ये हार्डली जाएगा हमारे घर पे कितने दिन मेरे को पता नहीं, फिर इसके बाद इसका बोतल होगा। बेस्ट बेसिकली ये जो है ना शैम्पू, ये एक प्रोटीन वाला है क्लिनिक प्लस का, लेकिन हमारे घर पे नॉर्मल लगाते हैं तो कोई ना, जो मिलेगा तो भाई लगा लेंगे। 2-3 दुकान घूमने के बाद तो यही मिला मुझे, नॉर्मल वाला तो मिला ही नहीं। तो चलो घर चलते हैं, नहाते हैं और कुछ नहीं। सो गाइस फाइनली शैम्पू लेने के आने के बाद भाई ब्रश करेंगे, एकदम चकाचक रेडी हो चुका हूँ और भाई दांत एकदम चकाचक है, डाबर रेड। तो फिलहाल हमारे घर पे बनना शुरू हो चुके हैं, मम्मी ऑलरेडी उसका डो बना के रख दिए थे जो बनेंगे हमारे मुड़की। तो फिलहाल अभी जाते ही दिखाते हैं कैसे बना जी। मम्मी फिलहाल शुरू कर चुके हैं, ये बन रहे हैं हमारा नमकीन जो कि वो दूसरा वाला बना था आटे से, ये वाला बन रहा है बेसन से, और ये बन रहा है हमारा मुड़की का डो, फिर और एक डो है शायद इधर, ये रहा ये दूसरा डो है। मस्त आज बनेगा, मस्त खाएंगे और मस्त लगेगा भी मुझे लग रहा है जैसे, क्योंकि बताऊंगा। फिलहाल छानने दो मम्मी को, छानने के बाद दिखाता हूँ। चलो अभी मैं क्या करने वाला हूँ पता है, अभी मैं करूँगा अपना ये जो सिस्टम है, सिस्टम पे थोड़ा काम वाम करना है और टेक चैनल का वीडियो आज शूट होगा और आंसू भी आएगा क्योंकि आंसू के साथ एक शूट है मेरा। और दूसरा अभी थोड़ा चैनल चेक करता हूँ। यार सही बात बोले यार तुम लोग, भाई चैनल थोड़ा सपोर्ट करो ना यार, चैनल में सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो, सीरियसली चैनल बहुत ज़्यादा डाउन है सब्सक्राइबर भाई एक दो बढ़ रहे हैं लेकिन व्यूज नहीं जा रहे भाई, मेरा मन बहुत ज़्यादा मन कर रहा है मैं यूट्यूब ही ना करूँ ऐसा लग रहा है मुझे। यार थोड़ा सपोर्ट दिखाओ ना प्लीज़, थोड़ा शेयर वेयर करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, हाथ जोड़ रहा हूँ प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो, चैनल को थोड़ा बूस्ट चाहिए भाई। इतने दिनों से वीडियो नहीं डाला था, मुझे पता है चैनल डेड हो गया था, डेड से उठा के इधर लाया हूँ, फिर थोड़ा और सपोर्ट चाहिए आप सभी का, और कुछ नहीं भाई, थोड़ा चैनल को रैंक पे आ रहे दो सब कुछ ठीक हो जाएगा, अगर नहीं होता मैं सीधे यूट्यूब ही छोड़ दूंगा छोड़ के नया चैनल खोल दूंगा। नहीं नया चैनल क्यों खोलूंगा, हाँ इस चैनल को भाई 4 साल नहीं 3 साल लग के भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसको 800 सब्सक्राइबर लगाया हूँ, अभी 802 है। प्लीज़ सर थोड़ा सपोर्ट चाहिए सर, वन प्लीज़ सर थोड़ा सपोर्ट चाहिए भाई, मेरी फैमिली वन के सब्सक्राइबर हो जाएगा, प्लीज़ सर फैमिली थोड़ा सपोर्ट कर दिखा दो प्लीज़। सो गाइस हमारा फिलहाल बन रहा है नमकीन्स, ये देखो नमकीन्स, प्यारे प्यारे नमकीन्स जो कि आटे वाले नमकीन्स, अब एक खा के देखते गाँव है गरम है गरम बहुत ज़्यादा गरम है, वाह और ठंडे वाले वाह 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 मस्त बना
अभी फिर मुर्गी बनने वाला है उसको खाएंगे। वाह क्या लग रहा है, मजा आ गया। सो गाइस फाइनल लंच करके मैं सीधा सो गया था, तो फिलहाल अभी मैं निकल रहा हूँ एकदम रेडी होके कहाँ पे, ना बाबू भाई के घर पे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ है, मैं 2 दिन पहले गया था, कल भी गया था एक्चुअली, उनका एक जीमेल अकाउंट खोलना था जो कि उनके जो एडिटर हैं उनको एक्सेस देना था, ठीक है, उनके चैनल जो भी है, उनके जो म्यूजिक चैनल है, उनका व्लॉग चैनल है और उनका न्यूज़ चैनल है, उसका एक्सेस देना था। तो मैंने ऑलरेडी कर दिया था 2 दिन पहले, उस पे क्या हुआ ना, वो जीमेल आईडी डिसेबल हो गया, पता नहीं कैसे लेकिन वो हो गया। फिर कल भी जाके किया था, सेम सिचुएशन हुआ। मैंने बोला कि भाई फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कोई जीमेल आईडी डिसेबल कैसे हो रहा है, वो भी हो रहा है 180 दिन के लिए, कोई हो रहा है भाई 2025 पे खुलेगा। दोनों जीमेल आईडी का सिचुएशन वही था। तो अभी मैं बोला कि नहीं भाई कुछ तो गलत हुआ है, मैंने देखा क्योंकि मैं जिस प्रोसेस से खोलता हूँ एक्चुअली नॉर्मल प्रोसेस है, सही था, लेकिन फिर भी ऐसा जो प्रॉब्लम आ रहा है, मैंने बोला चलो कोई नहीं आज आता हूँ नॉर्मल खोल लेंगे उनका जीमेल आईडी, उसके बाद सब कुछ ठीक ठाक करके होगा तो कल या परसों जाके फिर से उनके वेरिफिकेशन वगैरह कर दूंगा। तो फिर अभी मस्त अभी निकलता हूँ क्योंकि रात के 9 बज रहे हैं, 10 बजे के अंदर मुझे आके पहुँचने, तो चलो चलते हैं सीधे, जाते मिलते हैं बाबा ही घर पे। चलो चलो गाइस अभी निकलते हैं, हेलमेट भी मैं पहन चुका हूँ और मम्मी और दीदी भी बैठ के देख रहे हैं, अभी टेक ए ब्रेक। तो चलो निकलते हैं, टाइम हो रहा है देखो कितना बज रहा है, 9:15 बाकी है, ये देखो 10 बजे के अंदर आके पहुँचना है, 1 घंटे के अंदर काम भी ख़त्म करना है। तो निकलते हैं अभी अपनी प्यारी सी मुन्नी सी मुन्नी सी जूपी को लेके, जो कि राजू का चाबी, चलते हैं सीधे देखे मिलते बाबू के घर पे। चलो सो गाइस फाइनली मैं जो काम था ऑलरेडी ख़त्म कर चुका हूँ और फिलहाल भाई अभी उनका जो लास्ट आया था हमको हेल्प करने के लिए, हमारे चैनल का पूरा मतलब इधर उधर सब हो गया था, जीमेल में प्रॉब्लम आ गया था, तो वो भी दो दिन हो चुका है, 2 दिन 2 ईमेल पूरा डिसेबल हो गया है। तो फिर आज दोबारा मतलब तीसरी बार हो रहा है हमारा जीमेल का न्यू अकाउंट ओपनिंग, एक न्यू चैनल हमारा एक्सेस करने के लिए, तो सोमनाथ पूरा हेल्प कर रहा है और बाकी आज मतलब लग रहा है कि आज सक्सेसफुल हो जाएंगे, देखते हैं फिर क्या होता है। क्योंकि ये मेरा खोलने का जीमेल अकाउंट टोटल 43 नंबर वाला है, क्योंकि पहले जो न्यूज चैनल है न्यूज चैनल का, उसके बाद भय का ज्यादातर चैनल मैं ही खोला हूँ, जीमेल अकाउंट मैं ही खोला हूँ, लेकिन पहली बार ऐसा इशू हुआ है जो कि 2 दिन हो चुके, बहुत परेशान हो चुके। सोमनाथ का कोई गलती नहीं है, हमारा एक ही डिवाइस में 2-3 बार एक ही नाम में वो हो गया जीमेल अकाउंट लॉगिन, फेसबुक अकाउंट लॉगिन, तो इसलिए दिक्कत आ रहा है जितना तो मेरे को मालूम है। फिर भी देखते हैं अभी अलग डिवाइस में किए हैं, फिर भी नाम सेम है आकाश का, तो देखते हैं फिर क्या होता है नहीं तो क्रॉस फिंगर आना पड़ेगा, क्रॉस फिंगर देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल अभी टोटल काम खत्म हो चुका, वेरिफिकेशन वगैरह भी सब कर दो, जैसे मैं टोटल जीमेल का खोलता हूँ वो सब कर चुका हूँ, बस देखना है कि 24 घंटे के बाद ये डिसेबल ना हो जाए, बस यही भगवान से प्रार्थना है और कुछ नहीं तो क्योंकि काम बहुत ज़्यादा बंद रहता है, एक तो न्यूज़ चैनल हो गया, व्लॉगिंग चैनल हो गया भैया का, ज़्यादातर काम बंद रहता है, तो इसीलिए मतलब क्या बोलूं, इसलिए 2 दिन से परेशान है भैया, तो तो मैं नहीं रहता हूँ, तो वो भी आज कब मतलब एक बार लॉगिन हुआ उसके बाद 12 घंटे पर डिसेबल हो गया, फिर एक बार नया अकाउंट लॉगिन हुआ फिर 12 घंटे डिसेबल हो गया, फिर वो कंटेंट अपलोड नहीं हो पा रहा है, वही क्योंकि न्यूज चैनल भाई ब्रेकिंग न्यूज आते हैं, ब्रेकिंग न्यूज डालना पड़ता है, अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आया लेकिन वो अपलोड नहीं हो पाया, क्यों, क्योंकि उसको एक्सेस नहीं दिया था, तो इसीलिए वही प्रॉब्लम है। तो अभी फिलहाल काम खत्म है ठीक रात के 12 बजे, क्योंकि अभी तो 11 बज गए, 12 बजे वो वीडियो पब्लिक होगा उनका, फिर मतलब न्यू चैनल तो पता ही होगा 24/7 जैसे कि रहता है कस्टमर केयर, सेम टू सेम काम रहते हैं, पुलिस स्टेशन जो होता है वही सेम टू सेम। तो फिर काम खत्म करते हैं फिर मैं निकलता हूँ सीधा घर को। चलो चलो गाइस काम हो चुका है खत्म, तो अभी मस्त निकल रहा है क्योंकि टाइम हो चुका है 11:30, मुझे जाके घर पे पहुँचना है और भूख भी लग रही है, तो चलते हैं सीधा घर पे जाके मिलता हूँ। चलो सो गाइस फाइनली रेस्ट होम, फिलहाल अभी बज रहे हैं 12 बजने वाले, लगा मेरे को 10-15 मिनट आके पहुँच कर रहे, और अभी फिलहाल चलते हैं सीधा डिनर करते हैं, उसके बाद कुछ एडिट करना है ब्लॉग वगैरह, फिर चुपचाप सो जाए। तो चलो फ्रेश होने के बाद आप सबसे मिलते हैं। सो गाइस अभी फिलहाल आ चुके हैं अपना डिनर, जो कि राइस है, दाल है और ये कुछ बेसन से मम्मी ने बनाए थे पकौड़े, अभी मस्त अपना डिनर करते हैं, फ्रेश तो हो चुका हूँ ऑलरेडी, फ्रेश होकर खा रहा हूँ, तो अभी मस्त अपने डिनर करते हैं, डिनर करने के बाद वीडियो को एडिट करेंगे, तो डिनर करने के बाद मैं आप सबसे मिलता हूँ। चलो